हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू नाजीज किचन। आज मैं बनाने वाली हूँ टेस्टी गुलाब जामुन इंस्टेंट मिक्स है। तो चलिए इसे बनाने का प्रोसेस शुरू करते हैं। इसके लिए हम लेंगे बाउल में 175 ग्राम गुलाब जामुन रेडी मिक्स, करीब 2 टेबलस्पून पानी डालकर आटे को गूंदें। अगर आपको डो सूखा लगे तो और थोड़ा पानी डाल सकते हैं। डो को अच्छे से नीट करें जब तक उसमें से ऑयल ना निकले। इसका एक सॉफ्ट और स्मूथ डो बना ले। डो रेडी है, इसमें आधा टीस्पून घी मिक्स कर ले। ये ऑप्शनल है, लेकिन इसे ऐड करने से आपके गुलाब जामुन बहुत ही मुलायम बनेंगे। इसे सेट होने के लिए हम 10 मिनट के लिए साइड में रखेंगे। मीनवाइल हम शुगर सिरप बना लेते हैं। इसके लिए 3 कप शुगर लें। अगर आप कम मीठा खाना पसंद करते हैं तो शुगर की क्वांटिटी थोड़ा सा कम कर लें। अब इसमें 3 कप पानी डालें। अब इसे मीडियम टू हाई फ्लेम पर कुक करें। बॉईल होते समय 3 इलायची, 2 पिंच सैफ्रन डालकर मिक्स करें। तीन मिनट होने के बाद आप देख सकते हैं शुगर सिरप थोड़ा सा स्टिकी हो गया है। अब फ्लेम बंद कर दें। 10 मिनट हो चुके हैं। डो को थोड़ा सा और नीट करें। हाथों पर थोड़ा सा ऑयल अप्लाई करें और बॉल्स बनाना शुरू करें। गुलाब जामुन का साइज अपने हिसाब से छोटा या बड़ा रख सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें इसमें कोई क्रैक्स ना हो। चलिए अब इसे डीप फ्राई करते हैं। मैंने यहाँ ऑयल लिया है, आप चाहे तो घी भी ले सकते हैं। ऑयल को लो फ्लेम पर अच्छे से गर्म होने दें। लो फ्लेम पर ही गुलाब जामुन को अच्छे से फ्राई होने दे, वरना वो अंदर से कच्चे रह जाएंगे। चारों ओर से अच्छे से फ्राई होने दे। आप देख सकते हैं गोल्डन ब्राउन कलर आ चुका है। अब इसे निकाल दें। हल्के से गरम शुगर सिरप में इसे डाल दें। सारे गुलाब जामुनों को अच्छे से डुबोएं और 1 घंटे के लिए सोक होने दें। ये अच्छे से सोक हो चुके हैं। चलिए इसे डिश आउट करते हैं। हमारे सॉफ्ट और टेस्टी गुलाब जामुन खाने के लिए रेडी है। अगर आपको मेरी रेसिपीज अच्छी लगे तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन हिट करना बिल्कुल ना भूलें।